आप देख रहे हैं गुजरात तक, आपके साथ मैं हूं सौम्या। तकनीक और हथियार नहीं, हौसले बुलंद होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं द गोल्डन गर्ल सरिता गायकवाड़ की। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जो ये नाम से वाकिफ नहीं होगा। आज हम रूबरू करवाएंगे सरिता गायकवाड़ से, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं इनसे। बेहद गरीब परिवार से आने वाली, रिले रेस में गोल्ड जीतने वाली सरिता गायकवाड़ आज पूरे विश्व में लोगों के दिलों में जगह बनाकर बैठी है। सरिता और उनका परिवार गुजरात के डांग जिले में एक छोटे से गांव में रहता है। सरिता के पिता लक्ष्मण भाई और उनकी मां रेमूबेन पिछले 20 सालों से खेतीहर मजदूरी के तौर पर काम कर रहे हैं और करीब 80 से 100 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। गोल्डन गर्ल सरिता गायकवाड़ ने गुजरात तक से की खास बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी जर्नी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, जैसे कि बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो मतलब महिला को मेरा संदेश ये है कि खुद को स्ट्रोंग रखो और अपने आगे आओ, तभी सफलता मिलेगी। कैसे लगी आपकी स्ट्रगल, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? मेरी स्ट्रगल मतलब एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और 1 से 4 तक की स्कूल है, वहाँ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं बाहर निकली और ऐसे करके मैं, मेरा मम्मा पापा का भी सपोर्ट रहा, उन लोग ने मुझे फ्री रखा। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में आई ऐसे करके, तो मेरा स्ट्रगल तो अच्छा रहा। पर उसके बाद मुझे जो 2010 में मुझे गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया, तो वो मुझे मतलब वहाँ से मेरी लाइफ का एक स्टेप बाय स्टेप मुझे मिलने लगा कि उन गवर्नमेंट ने कोच मुझे अच्छा दिलवाया। हाँ, और खेल महाकुंभ जो फिलहाल के जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उस जब 2010 में तब हमारे सीएम थे, तब उन्होंने स्टार्ट किया और उसका मुझे बहुत लाभ मिला, क्योंकि तभी मैं आज मतलब ये स्टेज पे हूँ। मतलब मुझे जैसे कि गवर्नमेंट की हर स्कीम है, मुझे मंथली 5000 देते थे डाइट के लिए। उसके बाद उसके ऊपर एक स्कीम है, बहुत स्कीम जो है स्पोर्ट्स वाले को भी है, स्पोर्ट्स वाले के अलावा भी है, मतलब दूसरे तो मुझे पता नहीं, पर मुझे स्पोर्ट्स का जितना है उतना पता है। तो मतलब हर क्षेत्र में स्कीम रखी है, तो मुझे साल का 5 लाख भी मिलता था, तो उससे मैं अच्छे से रेडी हुई और कोचिंग अच्छा मिला। तो मुझे उसके अलावा मुझे दूसरा भी अदर बहुत मतलब सपोर्ट रहा, तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब उन लोग ने ये नहीं समझा कि मतलब मेडल आएगा उसके बाद सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं। पर मतलब नीचे जब नेशनल मेडल नहीं दिया था, तभी से उन लोग ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तभी मैं आज मतलब मेडल दे पाई एशियन गेम्स में, वो भी गुजरात का, उसके पहले किसी ने नहीं दिया था तो मैंने दिया। वो अच्छा गवर्नमेंट को भी लगा और उसका जो स्कीम है जो एशियन गेम्स मेडल देंगे उसको 2 करोड़ और 1 करोड़ और 50 लाख ऐसा है, और मेरा रिले टीम था तो इसलिए मेरा 66 शायद लाख बनता था, पर मतलब गवर्नमेंट ने मुझे 1 करोड़ दिया, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मतलब मेरे जितना मिलता था उससे भी थोड़ा ज़्यादा दिया, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। क्योंकि और हर कोई अभी प्लेयर को एक प्रेरणा मिलेगी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो और नीचे लेवल से और बच्चों आएंगे। खास तो महिला के लिए क्या? खास तो महिलाओं के लिए ये है कि वो खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज महिला पीछे नहीं, पहले पीछे रहती थी, आज बहुत आगे आ चुकी है। को हर क्षेत्र में मतलब महिला ऊपर आ रही है, तो मतलब एक बहुत अच्छा इंडिया का मतलब वो चल रहा है कि महिला आगे आ रही है, तो मतलब खुद को एक बहुत अच्छे से स्ट्रोंग करके कि मैं ही कुछ कर सकती हूँ, तो आगे आना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक, और हाँ,
बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।